सो विधानसभा चुनाव के बाद एलपीजी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर पर एक साथ 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, वहीं पेट्रोल पर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। जहाँ पेट्रोल और डीजल सहित एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों के बाद एक बार फिर से महंगाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहाँ एक साथ पेट्रोल, डीजल व एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाने के बाद सोशल मीडिया पर लोग स्मृति ईरानी की पुरानी फोटो को ट्रोल कर रहे हैं। Yes, you heard that right. जो सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की महंगाई को लेकर प्रदर्शन करती हुई फोटो शेयर की जा रही है। क्या है पूरा मामला और क्या राज छुपा है इस तस्वीर में, ये जानने से पहले नमस्कार, मैं हूँ रेश और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। वेलकम welcome back to our channel. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है then what you waiting for? Please कर लें और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी videos, like all the videos that you like and love, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। सो सोशल मीडिया पर लोग स्मृति ईरानी की महंगाई को लेकर प्रदर्शन करते हुए पुरानी फोटो को शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, जहाँ साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी ने महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कई प्रदर्शन किए थे। इस दौरान स्मृति ईरानी महंगाई के मुद्दे को लेकर आक्रामक भी नजर आई थी। जहाँ साल 2014 के लोकसभा चुनाव में महंगाई बड़ा मुद्दा बना हुआ था और उसके बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और वह भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। जहाँ अब एट प्रेजेंट सत्ता में भारतीय जनता पार्टी दैट इज बीजेपी है और स्मृति ईरानी सरकार में शामिल है। ऐसे में बढ़ रही महंगाई को लेकर लोग सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी पर कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, और निशाना साध रहे हैं। जो लखनऊ के एक अंकित तिवारी हैं, उन्होंने ट्विटर पर कमेंट किया है और लिखा है कि अब बढ़ रही महंगाई पर मंत्री जी का क्या कहना है। वही कोमल सिंह, जो दूसरी अन्य ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कमेंट किया है कि क्या अब भी सड़कों पर उतरेगी स्मृति ईरानी। मैं आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी दैट इज बीजेपी की तेज तरार महिला नेता है और वह भाजपा में काफी प्रभावशाली भी मानी जाती है। ईरानी के पास केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है और केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी यूपी की राजनीति में काफी सक्रिय रहती है। जहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बाद एक साथ पेट्रोल, डीजल व एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ने के बाद लोगों ने स्मृति ईरानी की पुरानी फोटो शेयर कर ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। जब फोटो पर आम जनता की और कमेंट किया जा रहा है कि महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरने वाली स्मृति ईरानी अब कहां छुप कर बैठ गई हैं। सो उत्तर प्रदेश में लगातार महंगाई मुद्दा बना हुआ है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र व राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को हटाया गया था, जिसके बाद पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर 12 रुपए की गिरावट दर्ज की गई थी। जी हां, लेकिन अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद एक बार फिर से पेट्रोल व डीजल की कीमत बढ़ती नजर आ रही है और साथ ही एलपीजी के डोमेस्टिक सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ाए गए हैं, जिसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी भी बढ़ रही है। वेल, जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट्स आए और वैसे ही अब जैसे आप देख सकते हैं कि कितने सारे चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं। वेल, इस महंगाई पर और स्मृति ईरानी की ट्रोलिंग पर आपका क्या टेक है? इस पूरे मुद्दे पर, इस महंगाई के मुद्दे पर और स्मृति ईरानी के टेक पर, जो पहले था साल 2014 से पहले और अब है, वो जो डिफरेंस जो आप देख रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? डू लेट अस नो योर टेक इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।